हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जॉब एनालिसिस और प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस का मीनिंग होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच टेल्स द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक टू सेटिस्फाई द जॉब परफॉर्मेंस। जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं उस सारे नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक को जो रिलेटेड होते हैं जॉब परफॉर्मेंस से, ताकि हम अपने वर्क उसको सेटिस्फाई कर पाए। मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक को जानते हुए अगर हम वर्क करते हैं तो उस जॉब परफॉर्मेंस को हम सेटिस्फाई कर पाएँ, उसको मैच कर पाएँ। ऐसा नहीं कि वो कुछ जॉब कुछ और है और हम कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस का यही वर्क होता है कि नेसेसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जितने भी हैं जो उस वर्क से रिलेटेड हो, जो उस जॉब से रिलेटेड हो, उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर पाएँ, ताकि हम फुलफ़िल कर पाएँ, ताकि हम मैच कर पाएँ कि हमारा जॉब क्या है और हमारा हम वर्क क्या कर रहे हैं। जॉब एनालिसिस टेल्स अस हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब। जॉब एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कितनी वर्क की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर जॉब को कम्प्लीट करने के लिए। हमें जॉब एनालिसिस भी ये सारे सब चीज़ पता चल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम उस जॉब को परफॉर्म करने से पहले उससे नोन होते हैं, उसको जानते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस हेल्प अस टू नो द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन पता चलता है और सेकंड है हमें जॉब स्पेसिफिकेशन पता चलता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, सारे वर्क रहते हैं जो सारे वर्क से रिलेटेड रहते हैं, उस जॉब से रिलेटेड रहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है उस जॉब में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ क्या क्या है जो एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करने हैं, मशीन्स वगैरह कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या है, वो ज़्यादा बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, ये सारा चीज़ जॉब से रिलेटेड है। मतलब वर्किंग कंडीशंस वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि हम इंडिविजुअल के एजुकेशन को देख रहे हैं कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन उतना है भी कि नहीं, एक्सपीरियंस मन देखते हैं ताकि पहले उसने कहीं कहीं काम किया है या भी नहीं, कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं वो, ताकि वो उस वर्क से मैच कर भी रहा है कि नहीं, वो फुलफ़िल कर भी पाएगा कि नहीं, ट्रेनिंग देखते हैं क्या उसने कभी ट्रेनिंग किया है पहले या फिर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ये वगैरह वगैरह जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। तो हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जॉब एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक हमें फुलफिलमेंट करनी है, ठीक है, ताकि हम उस जॉब को अच्छे से वर्क कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा परफॉर्मेंस कुछ और होना चाहिए उस जॉब से रिलेटेड और हम कुछ और वर्क कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर टीचर का काम नहीं कर सकता और एक टीचर डॉक्टर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशन ही अलग है। डॉक्टर एक पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं क्योंकि उनका काम ही वही होता है, और एक टीचर एक चिल्ड्रन को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं, उनके लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं। तो ये वर्किंग इनका अलग अलग होता है, इसीलिए जॉब एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमारा वर्क क्या है और हमें उस वर्क को कैसे करना है, ताकि हमारा प्रोफेशन और हमारा वर्क एक दूसरे को मैच कर पाए। सेकंड हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के 8 प्रोसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, हु विल कंडक्ट जॉब एनालिसिस, हाउ टू कंडक्ट इट, स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग, ट्रेनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस, प्रिपेयरिंग जॉब एनालिसिस प्रोसेस, डेटा कलेक्शन, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस से। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, उसकी क्या नीड्स है, ये सारे चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कितना एफर्ट चाहिए उस नीड्स को अचीव करने के लिए, उस गोल को फुलफ़िल करने के लिए, कितना रिक्वायरमेंट, कितना एफर्ट चाहिए, किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, ये सब चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में देखते हैं, करते हैं। सेकेंड आता है हु विल कंडक्ट जॉब एनालिसिस, मतलब जॉब एनालिसिस कौन कंडक्ट करेगा, ये आपका सेकेंड स्टेप होता है।
कंपनीज क्या करती है यहाँ पे, प्रीफर करती है कि हमारे अपने ही कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करेंगे, या फिर कंपनीज क्या करती है हायर करती है, बाहर से लोगों को बुलाती है जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए। यही दो चीज़ हो सकता है एक कंपनी में, या तो वो खुद कंडक्ट करेगी या तो वो हायर करेगी। थर्ड स्टेप होता है हाउ टू कंडक्ट इट। ठीक है, अब आपने सोच लिया है कि आपकी कंपनी खुद से करेगी जॉब एनालिसिस का वो कंडक्ट करेगी, या फिर किसी को हायर करेगी जॉब एनालिसिस करने के लिए। तो थर्ड होता है कि आप कैसे उस जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग होता है। ऑर्गेनाइजेशन एचआर डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, एक प्लानिंग को रिक्वायर करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं अबाउट हाउ टू कंडक्ट द जॉब एनालिसिस। हम कैसे जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करेंगे, कौन सा मेथड्स होगा, क्या इजी तरीका होगा, कैसे एम्प्लॉय अपने वर्क और उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस को जानेंगे, ये सारा यहाँ पे प्लानिंग होता है। फोर्थ होता है स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय डिसीजंस एम्प्लॉय का ये डिसाइड कर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कितने एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस या वर्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर डेटा वगैरह हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड होगा, ठीक है, कौन सा मेथड हम अपने वर्किंग में अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज़ आपका स्ट्रेटजी डिसीजंस मेकिंग में आता है। फिफ्थ होता है आपका ट्रेनिंग ऑफ जॉब एनालिस्ट। ट्रेनिंग ऑफ जॉब एनालिस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है जॉब एनालिसिस का प्रोसेस, उसे भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसे भी गाइड किया जाता है कि कौन सा मेथड बहुत ईजीएस्ट होगा जो आप गाइड कर पाओगे एम्प्लॉयज़ वगैरह को, कौन सा डेटा ऑफ कलेक्शंस बहुत सही मेथड से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजीएस्ट मेथड से आप यूज़ कर सकते हो, आपको कैसे परफॉर्म करना है जॉब एनालिसिस, ठीक है, कौन कौन से चीज़ बताने हैं, कौन सा सिंपलेस्ट वे होगा ताकि एम्प्लॉय बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ये होता है ट्रेनिंग ऑफ जॉब एनालिस्ट के लिए। ठीक है, सिक्स्थ होता है प्रिपेयरिंग जॉब एनालिसिस प्रोसेस। प्रिपेयरिंग जॉब एनालिसिस प्रोसेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे जॉब एनालिसिस प्रोसेस को प्रिपेयर करती है, तो वो कैसे करेगी, सबसे पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होगा, मीटिंग्स वगैरह होगा, एचआर मैनेजमेंट्स क्या करेगी, वो कम्युनिकेट करेगी, ठीक है, अपने वर्क को बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगी, एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा कि हाँ ये सारे वर्क को ये सारा वर्क हमें करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, फुल सपोर्ट दिखाएंगे जॉब एनालिस्ट को, जो जो पर्सन्स हैं जो गाइड करने आए हैं उनको अपना फुल एफर्ट दिखाएंगे, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ वर्क बहुत ईजिली भी होगा, ठीक है, और जॉब एनालिसिस का वर्क प्रोसेस भी बहुत इफिशेंटली होगा, इफेक्टिवली परफॉर्म होगा। सेवेंथ होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शंस में क्या होता है, हम इसमें जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो सारा जॉब रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है, एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशंस को हम देखते हैं, कलेक्शंस होता है यहाँ पे, स्किल्स एबिलिटीज़ मैच खा रहे हैं कि नहीं, जॉब एक्टिविटीज़ क्या क्या है, वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ जो रहते हैं हम जॉब मतलब डेटा कलेक्शंस में हम सारा जॉब रिलेटेड डेटास वगैरह को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एट पॉइंट होता है आपका डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करते हैं, मतलब हमने पहले ही बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हम रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्टिविटीज़, वर्किंग कंडीशंस, ये सब जो एक जॉब से रिलेटेड है उसको बताते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, मतलब एक जॉब में क्या क्या करना है उस कुछ उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एबिलिटीज़ टू परफॉर्म दैट जॉब, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में हम एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब में करना क्या है उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, और हाँ यही होता है आपका प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो आई होप कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है और प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या होता है। इस टॉपिक से बस यही दो क्वेश्चंस आते हैं, जॉब एनालिसिस का आप मीनिंग बताइए और उसका प्रोसेस बताइए।
तो आई होप आई मेड इट क्लियर और आपको समझ में भी आया होगा। अगर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।